السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am Muhammad Idris, Physics Lecturer, Usma Cadet College, Dodehal. Welcome to first year virtual class of Usma Cadet College, Dodehal. Dear students, we completed our chapter 2. Now we are going to start exercise chart questions. So now we start our short questions. Question number one is, what is the difference between uniform and variable velocity? From the explanation of the variable velocity, define acceleration, give the SI unit of velocity and acceleration. So dear students, first, what is the difference between the uniform velocity and variable velocity? We have to discuss it, and then we have to define the variable velocity, acceleration, and also we have to give the unit of velocity and acceleration. So this is our question. So first of all, uniform velocity. These students, jaisa ki naam se pata chala, uniform means same. A body is said to have a uniform velocity if it's covered equal displacement in equal intervals of time. So this is called a uniform velocity. The velocity ka jo definition aapne padhi thi, rate of change of displacement aapne study ki thi. Yani rate of change of displacement is called a velocity. Ab uniform velocity ka matlab kya hoga? Kehte hain ki usme equal intervals mein it covers equal displacement in equal intervals of time. यानी इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है मुख्तलिफ इंटरवल्स में हो रहा है, यानी हर इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है विद द इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यानी आप क्या कर रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल है आपने इक्वल इक्वल कंसिडर कर रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर टाइम इंटरवल एक एक सेकेंड का है और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर डिस्प्ले हर जो इंटरवल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कवर हो रहा है. यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम्स इंटरवल, दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड इसमें वेरिएबल वेलोसिटी, तो इसमें क्या है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पे क्या हो रहा है, अ बॉडी सेड टू बी इट्स वेलोसिटी इज अ वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यानी यहां पे क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जी, लेकिन टाइम इंटरवल्स क्या है, सेम है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था, टाइम इंटरवल भी इक्वल थे और जो डिस्प्लेसमेंट हर टाइम इंटरवल में था वो भी क्या था, इक्वल था. लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, के टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल्स दैट इज नॉट सेम. यानी आप गाड़ी चला रहे हैं तो हर टाइम इंटरवल को सपोज आपने एक सेकंड रखा है या एक मिनट रखा है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कभी एक में ज्यादा हो जाता है, दूसरे में कम, फिर ज्यादा, फिर कम. तो लिहाजा इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. देन वी से दैट वेलोसिटी ऑफ योर कार इज वेरिएबल वेलोसिटी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम. इनमें डिफरेंस एक्चुअली है क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट इज अ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड वेयर एज इन वेरिएबल वेलोसिटी क्या, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो ये आपके पास जो मेजर डिफरेंस आ रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इन अदर केस, इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी दैट इज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यानी असल जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट इज इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड वेयर एज इन वेरिएबल वेलोसिटी दैट इज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. So this is the major difference between the uniform velocity and variable velocity. Then next question, they said define the acceleration. Definitely acceleration definition we study many times. We study in class 10th also. Here time rate of change of velocity of body is called acceleration. And rate of change of velocity of body is called acceleration. Mean how much velocity is changes with the passage of time, that is called acceleration. Suppose you consider a body or you are driving a car, its initial velocity is vi, and after some time delta t its velocity becomes vf, which means that velocity changes, it means that there is a acceleration in the body. So
If acceleration is represented with A and initial velocity is represented by Vi, final velocity is represented by Vf, and time interval is the time taken, that is delta t, then according definition of this, that is A is equal to Vf minus Vi divided by time t. So this is the acceleration formula, that is the time rate of change of velocity is called the acceleration, and we have to write it in mathematical form. Then in SI unit of the velocity, that is meter per second or meter second inverse 2, that is the unit of acceleration. And a unit of velocity, it will be a meter per second or meter second inverse. Unit of velocity is, that is meter per second, or we can also say it meter second inverse, and whereas SI unit of velocity, acceleration sorry, is meter per second, or we can say it meter second inverse 2. So this is the your first question. First we describe the difference between the variable velocity and uniform velocity, then we define the acceleration and it's discuss about its mathematical relation, and then we talk about the S unit of velocity, that is meter per second, and then finally we discuss the S unit of acceleration, that is meter second inverse 2. So your first question is ended. If you have any question or doubt, you can ask the question. Next, dear students, question 2 is here, that is short question 2. An object is thrown vertically upward. Discuss the sign of acceleration due to gravity relative to velocity while the ऑब्जेक्ट इज इन एयर. तो कह रहे हैं जी कि एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने वर्टिकल थ्रोन अपवर्ड किया, यानी किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हमने अपवर्ड क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया. कहते हैं क्या करें आप फिर, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कहते हैं ग्रेविटी की वजह से जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन है वो आपने बताना है. साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा ड्यू टू ग्रेविटी विद रिलेटिव टू द वेलोसिटी, वी हैव टू टेल इट, एंड व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, यानी आपने ऑब्जेक्ट क्या किया है, एयर में फेंका है, वह भी एयर में ही है, तो आपने क्या करना है, साइन ऑफ एक्सेलरेशन बताना है जो कि ग्रेविटी की वजह से है और ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी है की वजह से है, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, इन एयर है. तो डी स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया है कि आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, इट विल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स या वैल्यू ऑफ जी, उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, जबकि वो क्या है, अपवर्ड मूव कर रहा है, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा, क्या पास साइन ऑफ एक्सेलरेशन जी रिलेटिव टू द वेलोसिटी विल बी टेकन एज नेगेटिव, यानी आपका जो फेंका वो ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग अपवर्ड, एंड वेयर एज डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी इट इज डाउनवर्ड, सो इट हैज अ नेगेटिव साइन, जबकि ऑब्जेक्ट इज इन एयर. सो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट विच यू थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट्स साइन इज नेगेटिव एज कंपेयर टू द विद रिलेटिव टू द ग्रेविटी साइन, जबकि ऑब्जेक्ट के अबव भी मौजूद है, इट इज इन एयर. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, इट्स मीन दैट द साइन ऑफ ग्रेविटी जी टू द वी विल बी टेकन एज पॉजिटिव. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का नीचे फॉल हो रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी, तो क्या होगा, इसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे. क्यों, वजह क्या है कि जी और वी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में हो तो उस वक्त साइन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग डाउनवर्ड, और अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो डिस्टेंस में ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज देयर, दैट इज कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल्स. तो कह रहा है जी कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. क्वेश्चन ये है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है, ये पूछा जा रहा है. अगर है तो गिव्स एन एग्जांपल, इसकी क्या कर दें, एग्जांपल दे दें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. यानी कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
रिवर्स द डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ये पूछा गया है. अगर इफ सो, अगर ये पॉसिबल है, देन यू हैव टू गिव एन एग्जांपल. उसकी क्या दे दें, एक एग्जांपल दे दें, ये सादा लफ्ज में इस क्वेश्चन का मतलब है. तो डी स्टूडेंट यस, इसका आंसर क्या है, यस में है, यानी इसकी अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, वो मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, देन उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है. यस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑफ ए बॉडी कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है. और इसकी एग्जांपल क्या है, कहते हैं व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी जब भी हम किसी भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड हम फेंक देते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड. यानी आपने इसकी जो एग्जांपल दे रहा है, कहते हैं यस इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो इसकी एग्जांपल क्या है, व्हेन वी थ्रो एनी बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन देन व्हाट विल हैपन, एक्सेलरेशन दैट इज द ग्रेविटी इट इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. यानी हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया, अपवर्ड फेंका है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो इसमें देखें ग्रेविटी क्या है, सेम है, देन क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड. यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका गया है, तो सो वो अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के तहत काम कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपके पास उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है लेकिन डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से, सो ये क्या है, पॉसिबल है. इसी तरह कहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, यानी आपके पास प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपने प्रोजेक्टाइल को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, बता रहा है कि जब भी आप पास करें व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड फेंकते हैं किसी भी एंगल से, तो या किसी ऐसी किसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अगर अपवर्ड फेंका है तो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बिकम जीरो एंड देन द ऑब्जेक्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन. उसके बाद क्या है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है एंड स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसके बाद क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है. Why? During the whole process, the magnitude of acceleration due to gravity remain constant. कहते हैं किसी भी object को upward फेंकते हैं तो कहते हैं वो object जो है upward direction move करे, वो against under the constant acceleration of gravity है और उसके under काम करे, लेकिन क्या है, object एक maximum height लेता है और उसके बाद क्या है, उसकी velocity zero हो जाती है and then it turns its direction downward. तो क्या होगा, या वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, रिवर्स होगी, अपोजिट होगी, जब कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटी फोर्स क्या आपके पास कांस्टेंट है, तो सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर और उसकी एग्जांपल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर इज देयर, दैट इज स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन स्पीड इज चेंजिंग. कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं. सेकंड क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग. कहते हैं क्या एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है चाहे इसकी वेलोसिटी भी चेंज होती रहे या ना हो. सी आपके पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो. एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो सकती है जबकि उसका एक्सेलरेशन क्या है, इज नॉट जीरो. एंड डी दैट इज एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी. तो कहते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है दैट इज सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ उसे डील कर रहा है, कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी, क्या उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो सकती है. तो डी स्टूडेंट चार जो स्टेटमेंट है ए बी सी डी, इसमें बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है जी.
इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, इवन इट वेलोसिटी इज चेंजेस, यानी उसकी वेलोसिटी बेशक क्या होती रहे, चेंज होती रहे, तो ये आपके पास क्या है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। इसकी रीजन क्या है, कहते हैं ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड, यानी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहेगी, और इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो कहते हैं वेलोसिटी चेंज होने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। कहते हैं फॉर द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो कहते हैं कि आपस कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट क्या है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन कंटीन्यूअसली। तो ये देखें वो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहते हैं उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इसकी एग्जांपल क्या है, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, कहते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, सॉरी उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेलोसिटी बार बार हर लम्हा चेंज हो रही है, सो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, दैट इज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड एट द सेम टाइम थ्रो द सेकेंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, विच बॉल विल हैव अ लार्जर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इग्नोर द एयर फ्रिक्शन। तो डी स्टूडेंट क्वेश्चन ये कि एक आदमी जो है वो स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर, यानी एक बंदा जो है टावर के टॉप पे खड़ा है, तो कहते हैं थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉल को फेंकता है, थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप विद द इनिशियल वेलोसिटी, यानी वो एक आदमी जो है वो टावर के टॉप पे खड़ा है, तो कहते हैं एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है, और कहते हैं एट द सेम टाइम वही आदमी क्या करते हैं, थ्रो अ सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, यानी एक हाथ से उसने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है टावर के टॉप पर खड़े होकर, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है, जबकि उसी आदमी ने क्या किया, दूसरे हाथ से है सेम स्पीड से एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, देन विच बॉल विल हैव अ लार्जर स्पीड, किस बॉल की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इग्नोर द रिफ्लेक्शन, कहते हैं रिफ्लेक्शन क्या कर दें, इग्नोर कर दें, यानी एक आदमी कहते हैं टावर के टॉप पर खड़ा है, उस एक हाथ से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन स्ट्रेट अपवर्ड फेंका है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इसने एक बॉल क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद सेम स्पीड से क्या किया है, फेंकी है, कहते हैं कौन सा बॉल, यानी वो बता दें विच बॉल है वो लार्जेस्ट स्पीड, यानी किस बॉल की स्पीड ज्यादा होगी, आया जो उसने अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी आई से फेंका है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंका है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को स्ट्राइक करते हुए किस बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया या डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंका गया, तो कहते हैं आपने इग्नोर कर देनी, एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर कर देना है। तो ये आपके पास का क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस का आंसर क्या है, बोथ बॉल विल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, जी तो कहते हैं जो दोनों बॉल्स हैं वो क्या करेंगे, सेम स्पीड में हिट करेंगे, यानी उनकी स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी, यानी जो दोनों बॉल्स हैं विल हिट द ग्राउंड विद सेम स्पीड, यानी इस क्वेश्चन में जो आंसर है जो पॉइंट है, कहते हैं दोनों बॉल जब गिरेंगे तो कहते हैं सेम स्पीड से ही ग्राउंड को हिट करेंगे, तो ये इसका आंसर है। तो इसकी रीजन क्या है, कहते हैं जब हमने क्या किया, बॉल व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई, कहते हैं कि जब हमने क्या किया एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में वी आई वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी वी आई से फेंका, इट विल हैव द सेम वेलोसिटी वी आई, यानी इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू द सेम लेवल, और कहते हैं जब तक वो सेम लेवल पर आता है उसकी वेलोसिटी वी आई क्या रहेगी, सेम रहेगी, एंड आफ्टर दैट द बॉल विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इसके बाद क्या है ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी वी एफ, और वी एफ वेलोसिटी से मूव करेगी। इसी तरह कहते हैं दस द सेकेंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई फ्रॉम द सेम हाइट
इट विल हिट द ग्राउंड विद द सेम फाइनल वेलोसिटी vf. यानी दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी. एक्चुअली रीजन क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, ठीक है, लिहाजा हाइट का जितना भी फर्क हो जाए. यानी इस केस में कहते हैं कि जो टावर पे खड़ा है तो कहते हैं माइनर डिफरेंस है, एक अपवर्ड फेंक देता है और एक डाउनवर्ड फेंक देता है, तो हाइट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है. वैल्यू ऑफ जी इतने डिस्टेंस पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है. यानी सेम वैल्यू ऑफ जी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स सेम होगी, ज्यादा जो दोनों बॉल्स हैं वो क्या होगा सेम स्पीड से गिरेंगे व्हेन दे स्ट्राइक्स द ग्राउंड. क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन का आंसर है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज हियर, दैट इज एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ कार आर. यानी ये सर्कमस्टांसेस बता दें जिसमें वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार नंबर वन पैरेलल हो, सेकंड एंटी पैरेलल हो, एंड थर्ड परपेंडिकुलर टू वन अनदर हो, फोर नंबर वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एंड फिफ्थ इज एक्सेलरेशन इज जीरो बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो. कहते हैं इन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन सर्कमस्टांसेस को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. नंबर वन कंडीशन दैट इज पैरेलल, कहते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग, यानी यू आर driving your car and its velocity is going to increase along a straight line, then V and A of the car will parallel to each other. यानी इसका मतलब ये है जब आप कार को ड्राइव कर रहे हैं उसकी velocity को बढ़ा रहे हैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ पे, तो क्या होता है जो जो उसकी velocity बढ़ती है then उसका acceleration भी उसी रेशियो से क्या बढ़ता है. इट्स मीन acceleration and velocity both are parallel to each other. So ये आपका first case है. Velocity increase हो रही हो तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है इंक्रीज होता है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सो बोथ दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये आपका पहला केस है. सेकंड क्या है आपके पास एंटी पैरेलल, तो कहते हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ कार इज डिक्रीजिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं तो कहते हैं उसकी वेलोसिटी क्या क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, देन एक्सेलरेशन ऑफ कार विल बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर. यानी इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, देन वी एंड ए ऑफ द कार विल बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर. यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है साथ ही क्या हो रहा है एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है, ये आपस में क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं. नेक्स्ट आपके पास जो है कि थर्ड हमारे पास जो कंडीशन थी दैट वाज अ परपेंडिकुलर टू one another, ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो फिर क्या होगा, कहते हैं when the cars move along the circular path, यानी कार आपकी क्या कर रही है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, then acceleration will be directed toward the center of the circle while its velocity will be along the tangent. तो हम देखें कोई कार या कोई बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो कहते हैं उसके acceleration direction क्या होती है हमेशा center of the circle की तरफ होती है, जबकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है सर्कल के साथ टेंजेंट बनाती है, देन एट दैट टाइम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. फिर ये आपके पास थर्ड केस हो गया जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या है दोनों परपेंडिकुलर हो. ये सिर्फ उस वक्त ही पॉसिबल है जब क्या हो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तो हमेशा ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्शन के टुवर्ड सेंटर होती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होता है. तो ये आपके पास थर्ड केस है. नेक्स्ट आपके पास नंबर फोर केस इज दैट इज वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो. इसमें देखें व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग कार, यानी कार आप चला रहे हैं आपने ब्रेक अप्लाई कर ली तो देन क्या होगा स्लो डाउन एंड कम्स टू द रेस्ट. यानी आप कार चला रहे थे आपका स्टॉप करीब आ गया तो आपने क्या कर दी ब्रेक अप्लाई कर दी तो देन क्या होता है इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू द रेस्ट. यानी गाड़ी क्या है स्लो होती है और आस्ते आस्ते रेस्ट पे आ जाती है ड्यू टू द नेगेटिव एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन. यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है देन क्या होता है वेलोसिटी इज जीरो. यानी वेलोसिटी क्या हो रही है रेस्ट माने की वजह से जीरो हो गया बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, वहां पे क्या है एक्सेलरेशन क्या है जीरो नहीं है. तो सो ये आपके पास इसका केस है. एंड लास्ट केस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो
बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो. तो लास्ट क्या है नंबर फाइव, दैट व्हेन द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कार क्या हो मूविंग विद द ऑन द स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जब आप कार को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ड्राइव कर रहे हैं तो देन क्या होता है उसका एक्सेलरेशन तो जीरो होता है बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो. डी स्टूडेंट ये आपके फाइव कंडीशन थी, इनको हमने क्या कर दिया डिस्कस कर दिया. इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन इज देयर, दैट इज मोशन विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इज दिस स्टेटमेंट इज टू डिस्कस. कहते हैं जी कि मोशन विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जी दैट इज अ स्पेशल केस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं दैट इज स्पेशल केस विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. तो कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो विद द स्पेशल केस ऑफ विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो देन आपके पास क्या है ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं इसको डिस्कस कर दें. यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी ये जो आप क्वेश्चन में स्टेटमेंट बताई गई ये ट्रू है. कहते हैं बॉडी मूव विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन द स्ट्रेट लाइन, यानी जब बॉडी आपके पास क्या हो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो ऑन द स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट लाइन देन एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो होता है एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग सच मोशन. यानी इसमें कहते हैं वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है देन एक्सेलरेशन भी क्या है जीरो है तो देन हम कह सकते हैं एज द जीरो इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी सो देयरफॉर दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द मोशन. यहाँ ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है जबकि बॉडी क्या कर रही हो विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन पाथ में देन एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो होता है. सो जब कोई बॉडी है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है हमेशा ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि इस टाइप की मोशन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होने से एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है यानी एक्सेलरेशन जीरो है और जीरो का एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है. हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द मोशन. तो इसमें कोई क्वेश्चन दी स्टूडेंट देन यू कैन आस्क क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड द चेंज इन मोशन सॉरी फाइंड द चेंज इन द मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स फॉर गिवन टाइम एंड स्टेट द लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. इसमें आपने क्या करना है चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करनी है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स यानी हमने चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है जिस पे फोर्स अप्लाई की गई हो एंड आल्सो स्टेट द लॉ ऑफ मोशन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. हमने लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या करना है डिस्कस करना है. तो डियर स्टूडेंट्स फॉर दैट पर्पज यू कंसिडर अ बॉडी इट्स मास इज एम मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यानी हमने क्या किया एक बॉडी कंसिडर की है जिसकी मास क्या है एम ए एंड इट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई देन वी हैव टू सपोज दैट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज एक्टिंग अपॉन इट फॉर टाइम टी. तो कहते हैं आफ्टर देन फिर क्या होगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है चेंज होती है बिकम्स वी एफ इट्स मीन दैट यानी पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी कोई भी आप कार चला रहे हैं कहते हैं उसकी मास एम है उसकी वेलोसिटी जैसे आपने स्टार्ट की चलाना गाड़ी शुरू की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी आई है. सपोज उसके इंजन ने इस पर फोर्स अप्लाई किए या उस पर और एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई की है कहते हैं आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी बढ़कर क्या हो जाती है वी एफ हो जाता है इट्स मीन दैट इट इज मूविंग इट हैज सम एक्सेलरेशन. सो क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही विद द पैसेज ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन दैट इज अ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वेलोसिटी एंड माइनस vi that is initial velocity and divided by time t. So this is the acceleration formula that is time rate of change of velocity it is called acceleration. So this is the mathematical expression of the acceleration. Do you students clear? Okay, then we have studied also second law of motion and statement is f is equal to ma and we have to rearrange it and that is a is equal to f over m. Ab hamare paas kya do equations aa gayi hain एक आप पास जो है पहली इक्वेशन ये आप पास a is equal to vf minus vi divided by t है और सेकंड आप पास क्या a is equal to f over m है. अब हम क्या करते हैं इनको कंपेयर करते हैं कहते हैं दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है तो इट्स मीन दैट इसकी राइट साइड भी क्या होगी आफ्टर कंपैरिजन इक्वल होंगी
कितने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या एफ ओवर एम दैट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई हियर दैट इज एम इज इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई इट विल गो हियर दैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी देन वी सॉल्व दिस ब्रैकेट दैट इज एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी देन एम वी एफ दैट इज टी एफ विच इज द फाइनल मोमेंटम एंड linear momentum. So, कहते हैं कि we have to define impulse. What is the impulse? And show that how it's related to the linear momentum. ये linear momentum से कैसे relate करती है? This is our short question. जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया अबाउट इंपल्स बस एक पॉइंट पर इन भी लास्ट ऑफ द ट्रिक दिया गया इंपल्स देन एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स इसकी मेन बात ये कि मैंने लार्ज फोर्स और यूनिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी देन इट्स मीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें फोर्स इन्वॉल्व है सो इंपल्स भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी एंड यूनिट इज न्यूटन इनटू सेकंड So mathematically it is described as that is I is equal to F multiplied delta T. Is F के पास force है और delta T के पास very short time interval है जिस पर force react किया then it is called a impulse. So I is the impulse of the force. अब इसमें क्या momentum के साथ इसका क्या relation है? इसको discuss कर लेते हैं जैसा कि अब बताया गया है कि इस impulse में force क्या करती है? Act करती है on the body for short interval of time. Definitely according to second observation जब भी force है किसी भी body पर act करती है it produces a rate of change of linear momentum. ठीक है यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स एक्ट करती है जैसे कि इंपल्स में बताया गया कि मैंने फोर्स इज एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो इसमें क्या हो रहा है इस इंटरवल में इंपल्स में फोर्स एक्ट करी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो इसी फोर्स जो एक्ट कर रही है इसके इसको हम क्या करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की नजर में देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत क्या है जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है देन इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लीनियर मोमेंटम तो जो इसमें चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करती है चेंज इन मोमेंटम यानी किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई की तो वो क्या है आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल है तो इसको हमने क्या कहेंगे डेल्टा टी डिनोमिनेटर में इसको ऊपर इस लेफ्ट साइड पे लेके एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी तो एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी के आई इम्पल्स के बराबर है ये आप देखिए ऊपर डिस्कस कर रहे हैं सो इसमें इंसर्ट करने से आपके पास आई इज इक्वल टू डेल्टा पी तो इसका मतलब क्या है इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम सो ये क्या है इंपल्स में और लीनियर मोमेंटम में रिलेशनशिप है डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी तो डेफिनेटली इसमें फोर्स एक्ट हो रही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तैयार देखें तो ऊपर हम प्रूव कर रहे हैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करती है तो क्या होता है दैट अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा इस फोर्स को इक्वल इतना चेंज इन मोमेंटम पैदा होगी सो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी इंपल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम ऑफ इंपल्स व्हिच इज रिलेटेड टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन 10 इज हियर स्टेट द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट दैट वोल्टेज ऑफ अ स्टेटिक सिस्टम Explain why under the certain condition the law is useful even though the system is not completely isolated. कहते हैं कि हमने law conservation of linear momentum को क्या करना है state करना है okay then pointing out the importance of a isolated system की importance बतानी है और explain करना है why under certain condition the law is useful. Under certain condition के तहत क्या है ये law क्या useful है even though The system is not completely isolated. यानी बस का क्या है सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेटेड भी नहीं होते फिर भी ये क्या है यूजफुल है वो क्या कंडीशन है अंडर सर्टेन कंडीशन क्या है ये हमने बताना है तो फर्स्ट जो आपके पास क्या है स्टेटमेंट जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट आपके पास क्या होगा टोटल उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा That is called its statement. That is law of conservation of momentum.
तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में कहते हैं इट इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी ऐसा सिस्टम है जिस पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही होती है। इसके अंदर जो भी जितनी भी बॉडीज हैं उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एवरी टाइम कॉन्स्टेंट होता है, कंजर्वेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी ये ऐसा सिस्टम है ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एग्जर्ट ऑन एनी फोर्स, यानी बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है सिस्टम पर। और आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसके अंदर बॉडीज क्या कर सकती हैं, मे इंटरेक्ट विद ईच अदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, ये कंडीशन मस्ट है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो डिफरेंट बॉडीज है सिस्टम के अंदर वो एक दूसरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे साथ कोलाइड कर सकती हैं, लेकिन क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो हो, यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो रही हो, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कहते हैं दस एन आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है दैट रिमेन्स कंजर्व, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें देखें कि तीन बातें हैं हमें आइसोलेटेड सिस्टम में, पहली बात, पहली कंडीशन कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, नील हो। सेकंड कहते हैं इसमें बॉडीज क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। थर्ड क्या है, इसका टोटल जो मोमेंटम होता है आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है। ये तीन अहम बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब कहते हैं जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इन एवरीडे लाइफ, कहते हैं इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस नेग्लिजिबल, यानी रोजमर्रा जिंदगी में बता रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस उनका जो इफेक्ट है वो क्या है, नेग्लिजिबल होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी अप्लाइड टू द सिस्टम, यानी उस पर अप्लाई हो सकता है, विच आर नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कैन बी अप्लाई टू द सिस्टम विच आर नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, यानी वो पूरी तरह से कंप्लीटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है फायरिंग ऑफ गन, ठीक है, यानी वो टोटली आइसोलेटेड तो नहीं है। इस तरह मोशन ऑफ रॉकेट है, ठीक है, वो टोटली आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन क्या है, इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा होता है। सो यह पास सवाल और उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कूलिंग, यानी इलास्टिक कूलिंग और इन इलास्टिक कूलिंग में डिफरेंस बता दें। सेकंड क्या है, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस, यानी बाउंसिंग बॉल क्या है, किस तरह बिहेव करेगी, उसकी एग्जाम्पल दें, बताएं, गिव द पॉसिबल रीजन फॉर द फैक्ट ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन मोस्ट केसेस। कहते हैं फैक्ट बता दें जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है मोस्ट केसेस में क्या होती है, कंजर्व होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलास्टिक क्लीन, कहते हैं क्लीन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इज कॉल्ड इलास्टिक क्लीन। यानी इलास्टिक क्लीन क्या होता है, ऐसा क्लीन होता है जिसमें उसका मोमेंटम भी कंजर्व हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो, कंजर्व हो, दैट इज कॉल्ड अ इलास्टिक क्लीन। एंड इन इलास्टिक क्लीन में क्या होता है कि दैट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक क्लीन, लेकिन उसका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। इन इलास्टिक क्लीन में उसका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, लेकिन उसकी एनर्जी क्या है, कंजर्व नहीं होती, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक क्लीन। कहते हैं एग्जाम्पल क्या है, बॉल की एग्जाम्पल उसने कहा है, इसे हम एक्सप्लेन करें। कहते हैं बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, क्या करते हैं जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं जोर से तो क्या होता है, आफ्टर द इम्पैक्ट अटेन द सेम हाइट। अगर क्या कर ले, बॉल को आपने फर्स्ट पे फेंका है और ये अपनी सेम हाइट क्या कर लेती है, अटेन कर लेती है, देन वी कैन से दैट इट इज इट्स क्लीन इज इलास्टिक क्लीन, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि इसकी टोटल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी फेंकने से पहले का मोमेंटम, आफ्टर फेंकने के बाद जो मोमेंटम है, क्लीन विद द क्लीन ऑफ बॉल विद द फ्लोर, तो कहते हैं एक तो इसका मोमेंटम कंजर्व है और सेकंड फैक्ट क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, जिसकी वजह से बॉल क्या आपने जो फ्लोर पे थ्रो की उसने अपनी सेम हाइट क्या कर ली, अटेन कर ली, तो इसको हम कहेंगे इसका इलास्टिक क्लीन कहेंगे। अगर आपने क्या किया, बॉल को फेंका है तो क्या हुआ, उस बॉल ने
अगर सेम हाइट अटेन नहीं की है या लिटिल बिट हाइट अटेन करने के बाद वापस क्या फ्लोर पे गिर गई है और आपके हाथ में वो बार नहीं आई है, इट्स मीन दैट उसका क्लीन क्या इनइलास्टिक क्लीन है। इनइलास्टिक क्लीन बताया है कि इसको मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है कंजर्व नहीं होती। और इसका रीजन क्या है, ये एनर्जी किधर जाती है भाई, कंजर्व क्यों नहीं रही? तो कहते हैं उसमें सम अमाउंट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है दैट कन्वर्टेड टू द हीट एंड सम कन्वर्टेड टू द साउंड एनर्जी। यानी बॉल को आपने फेंका उसने, उसका मोमेंटम तो सेम है कंजर्व है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। वो जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही है लिटिल बिट हाइट गेन करके उसने वापस वापस फ्लोर पे चली गई, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई है एक्चुअली वो कहाँ गई है, वो काइनेटिक एनर्जी जो रिड्यूस हुई है जो लॉस हुई है दैट इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी एंड सम कन्वर्टेड टू द साउंड एनर्जी, सो दैट इज कॉल्ड अ इनइलास्टिक क्लीयरेंस। उम्मीद है ये स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। एनी हाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज देयर, इट इज अ एक्सप्लेन व्हाट इज द मेंट बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या मुराद है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जैसा कि डी स्टूडेंट्स और साथ के बता रहे शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो डी स्टूडेंट्स जैसा कि हमने टॉपिक में ये किस्म क्वेश्चन इस शार्ट क्वेश्चन पूरा टॉपिक ही पूछ लिया, तो एनी हो लिटिल बिट मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ लेकिन डेरिवेशन जो कह रहे हैं डिराइव करने इसको हम टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्कस करें। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये एक्सप्रेशन जो है हम डिटेल टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, ये क्योंकि प्लेस है शार्ट क्वेश्चन की तो मैं इनके बारे में शार्ट क्वेश्चन के वाले से बता देता हूँ। कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, कहते हैं ये टू डायमेंशनल मोशन है इन विच द ऑब्जेक्ट मूव अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द ऑब्जेक्ट हैज कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलास्टी बट चेंजिंग द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलास्टी। यानी कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जब हम इसको किसी खास एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ किसी खास एंगल से फेंकते हैं तो कहते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है टू डायमेंशनल मोशन करता है, यानी अपवर्ड भी जा रहा होता है और क्या करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस क्या कर रहा होता है कवर कर रहा होता है। कहते हैं ये क्या है अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, इसमें क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलास्टिक क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं। क्यों कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलास्टिक चेंज होते हैं क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन, या टू डायमेंशनल मोशन है। इसमें जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के गिर्द भी हो रही है, यानी वो सम डिस्टेंस क्या कर रहे कवर कर रहे, आफ्टर सम टाइम इट विल हिट द ग्राउंड and also it is covering some distance in upward direction, यानी इसने कुछ हाइट पकड़ी है और फिर उसके बाद क्या उसका पाथ क्या है ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया कर्व पाथ बन गया है, तो इट मीन इट हैज टू डायमेंशनल मोशन एंड इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलास्टिक रिमेन सेम। व्हाई? बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलास्टिक क्या हो रहा है चेंज हो रहा है क्योंकि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट ये तो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट जो है मैं टाइम ऑफ लाइट की जस्ट डेफिनेशन कर देता हूँ, बाकी इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल इज कॉल्ड अ टाइम ऑफ लाइट। यानी आपने एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया प्रोजेक्ट किया यानी से फेंका है और वो क्या कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद सेम लेवल पर इस दूसरे पॉइंट पे गिर जाता है वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो कहते हैं कि जो टाइम जो है प्रोजेक्टाइल लेता है अपनी फ्लाइट के लिए दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ द फ्लाइट। बाकी इसको हम ऑलरेडी ये डेरिवेशन को हम प्रूव कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या है डिस्टेंस विच द प्रोजेक्टाइल कवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल बॉडी को थ्रो किया किसी एंगल के साथ, वो कहते हैं वो प्रोजेक्ट क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल बॉडी इट कवर सम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के पाथ पे कहते हैं वो पॉइंट या वो पॉइंट्स बताएं जहां पे क्या प्रोजेक्टाइल है इट्स मिनिमम स्पीड, किस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या होती है पाथ में, किस पॉइंट पर क्या होती है मिनिमम होती है और किस पर मैक्सिमम स्पीड होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जी। कहते हैं जैसा कि हम पता है स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल बॉडी को थ्रो करते हैं तो क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होती है मिनिमम होती है, दैट इज नियरली इक्वल टू जीरो वी कैन से इट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन एट द मैक्सिमम हाइट कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो, यानी मैक्सिमम हाइट पे जाकर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में एट मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम होगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि किस पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जो स्पीड है सॉरी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, कहते हैं स्पीड ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस पॉइंट पर प्रोजेक्शन की गई है यानी जिस पॉइंट पर उसको फेंका गया है उस पॉइंट पर जाकर क्या होगा उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी एंड ऑल्सो जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, या फिर क्या होगा जिस पॉइंट पर वो हिट करता है ग्राउंड पर वहां पर भी उसकी स्पीड क्या होती है मैक्सिमम होती है जब यह प्रोजेक्टाइल बॉडी को फेंकती है तो वो अपना एक पाथ बनाती है कर्व पाथ बनाती है कैराबोला पाथ बनाती है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि किस पॉइंट पर उसकी स्पीड मिनिमम होती है, उसकी स्पीड में प्रोजेक्टाइल बॉडी की स्पीड किस पॉइंट पर क्या होती है मिनिमम होती है और किन पॉइंट्स पर प्रोजेक्टाइल बॉडी की स्पीड क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो डेफिनेटली इसका जो पहले सवाल का आंसर है कि जब आपके पास प्रोजेक्टाइल बॉडी की हाइट क्या होती है मैक्सिमम होती है वहां जाकर उसकी स्पीड क्या होती है मिनिमम हो जाती है, इवन क्या हो जाती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या है उसको पता भी होना चाहिए कि वहां पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है सो मैक्सिमम हाइट पे आपके पास इसकी स्पीड मिनिमम हो जाएगी एंड देन क्या होगा इन पॉइंट पर मैक्सिमम होती है पाथ में प्रोजेक्टाइल बॉडी की, तो कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी पाथ में जिस पॉइंट से बॉल प्रोजेक्शन की गई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होती है मैक्सिमम होती है एंड सेकेंड फिर क्या होगा आपके पास वो पॉइंट वेयर हिट द ग्राउंड वेयर प्रोजेक्टाइल बॉडी दैट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट दैट टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड इट विल आल्सो बी अ मैक्सिमम। स्टूडेंट्स इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपकी क्लास खत्म होती है, इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।